कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक और लिस्ट जारी की, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए। इस लिस्ट में राजस्थान के 6 तो वहीं महाराष्ट्र के 2 और गुजरात के 1 उम्मीदवार की घोषणा की गई। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अजमेर से पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुंझुनूवाला को टिकट दिया गया और इसके साथ ही झालावाड़ बारा से प्रमोद शर्मा, भीलवाड़ा से पूरा यूआईटी चेयरमैन पर्सन रामलाल शर्मा, राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर और श्रीगंगानगर से भरतराम मेघवाल को टिकट मिला है। वही संभावना ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस की इस सूची के बाद भाजपा भी आज अपने शेष उम्मीदवार घोषित कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रथम चरण में 29 अप्रैल को तो वहीं 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके साथ ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। जयपुर ग्रामीण से जहां भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, कांग्रेस की नई लिस्ट जारी होने के बाद जयपुर ग्रामीण सहित 5 सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो चुके हैं। कौन किसके सामने मैदान में है, देखिए इस पर ये हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की कृष्णा पूनिया और भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ में टक्कर होगी। तो वहीं बात अगर अजमेर सीट पर करें तो कांग्रेस के रिजू झुंझुनूवाला और भाजपा के भागीरथ चौधरी में टक्कर होगी। अजमेर लोकसभा सीट से जहां बात करें तो कांग्रेस में रिजू झुंझुनूवाला मैदान में उतरे हैं और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से प्रमोद शर्मा, तो वहीं भाजपा की तरफ से दुष्यंत और कांग्रेस रामपाल शर्मा भीलवाड़ा से चुनाव में उतरे हैं और भाजपा के सुभाष महरिया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस में भरतराम मेघवाल और भाजपा में निहाल चंद। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जहां कृष्णा पूनिया को उतारा तो वहीं भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा। और अजमेर लोकसभा सीट से रिजू झुंझुनूवाला जो कि बीना काक के दामाद हैं उनको कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। और झालावाड़ 12 से कांग्रेस ने जहां भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा को तो वह भाजपा ने सुभाष महरिया पर भरोसा जताया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिनेश, शेष उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से, अब कुछ सीटों पर रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर बात जयपुर ग्रामीण की करें तो जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को और जो मौजूदा अभी आपको बता दें इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनके सामने कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को उतारा है, तो क्या लगता है क्या टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस और भाजपा में, किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए ज्योति, सबसे बड़ी बात उन दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने 19-19 उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी थी और देर रात कांग्रेस ने जो शेष बचे हुए 6 उम्मीदवार हैं उनकी भी सूची जारी कर दी है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ी हैं, राज्यवर्धन सिंह भी निशानेबाजी से आए हैं और जो कृष्णा पूनिया है वो डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी ओलंपिक विजेता है और दोनों का सीधा मुकाबला होगा। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पिछली मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं इस बार और अब कृष्णा पूनिया से उनका मुकाबला होगा। इसी तरह अगर बात की जाए अजमेर की तो अजमेर से भागीरथ चौधरी को भी बीजेपी ने जहां उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने रिजू झुंझुनूवाला को मैदान में उतारा। उनके सामने रिजू झुंझुनूवाला भी नए कैंडिडेट हैं और राज्य भागीरथ चौधरी भी, चूंकि वहां के जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के एमपी बने थे रघु शर्मा और रघु शर्मा प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, तो अब कांग्रेस ने नए रिजू झुंझुनूवाला को नया उम्मीदवार बनाया है और भागीरथ चौधरी बीजेपी से उनकी सीधी टक्कर होगी। अगर बात की जाए भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा से भी जी जी दिनेश जी, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा है उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अगर झालावाड़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे उनके बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस ने प्रमोद शर्मा को कैंडिडेट बनाया है। दुष्यंत सिंह से टक्कर सीधी प्रमोद शर्मा की होगी, कांग्रेस के प्रमोद शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगर बात की जाए श्रीगंगानगर की तो वहां से बीजेपी के जो मंत्री रहे थे पूर्व में निहाल चंद मेघवाल उनके सामने कांग्रेस ने भरत मेघवाल को मैदान में उतारा है। अब देखना ये है कि ये भरत मेघवाल निहाल चंद का कितना मुकाबला कर पाते हैं, कौन किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा।
अगर बात की जाए राजसमंद की, तो राजसमंद में फिलहाल बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। कांग्रेस ने देवकी नंदन काका जो गुजर जाति से आते हैं उनको यहाँ पर मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस की अगर सूची की बात की जाए तो 6 सीटें थी और 6 में जिन जातियों का विरोध था, गुजरों को और ब्राह्मणों को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, उनको यहाँ पर सब तौर पर उन दोनों कास्ट को देखते हुए, उनका सोशल नेट इंजीनियरिंग को देख पूरा ध्यान में रखते हुए दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। राजसमंद को उनको उम्मीदवार बनाया गया है। दो ब्राह्मण चेहरे झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के सामने प्रमोद शर्मा और भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा को, दोनों ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा गया है। जी दिनेश, कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। शेष 6 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही क्या नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है दिनेश, आज से ही? जी बिल्कुल, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जो प्रदेश में पूरी 25 लोकसभा की सीटें हैं उन पर हम अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पूरे 19 उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए और 6 देर रात घोषित कर दिए थे। आज ही कांग्रेस के घोषणा पत्र भी सामने आएगा, उसके बाद क्या जनता से वादे किए जाते हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और जो कांग्रेस का मिशन 25 है उसको पूरी तरह फतेह करने में लग जुटी हुई है। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर आप सभी को बता दें, कांग्रेस ने 25 के 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने कहां कहां से कौन से कैंडिडेट पर भरोसा जताया।